हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुम शर्मा। देखिए, बीएससी फाइनल ईयर आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोग न्यूमेरिकल का एनालिसिस की बुक पढ़ रहे हैं। ये थर्ड पेपर है हमारा, ठीक है। हमने चैप्टर वन कल स्टार्ट किया था, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, और इसमें हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि डेल्टा, नेबला, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ई और ई इनवर्स, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं। आज हम लोग, कल हमने क्वेश्चन भी एक दो सॉल्व किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंप्रूवमेंट वाले, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देर न करते हुए हम जल्दी से क्वेश्चन लिखते हैं। अपना पहला मैं दिखा देता हूँ, ये SJ पब्लिकेशन की बुक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कराऊँगा, मैंने मार्क करके रखा हुआ, ये दो करा देते हैं। इसमें तो दो क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट में, एक ही में हिडन है। इसको वाला इससे इंप्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये करना, फिर ये वाला, ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है। एक और आगे भी है, अभी करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा नंबर वन ही डाल देते हैं। यदि जल बाहर लगा हुआ है FX और GX अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जल बाहर लगा हुआ है FX GX ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फिर आगे ये कह रहा है कि FX+1 डेल GX प्लस GX डेल F। अच्छा, ये प्रूव करना, चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरा भी लिखते हैं फिर हम, चलिए बाद में लिखते हैं, चलो ठीक है बाद में लिखते हैं। सॉल्व किया जाए, पहले इतना ही सॉल्व कर लें। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। प्रूवमेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे लिखा होगा प्रूव करना है, इसे प्रूव इट कहेंगे या कुछ भी कहेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, ज़्यादा इजी लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमें सीधे पता है यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाए। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोला जाता है। ये इस तरह से लिखेंगे पहले तुम, ठीक है। ये ऑपरेटर इसमें हम लगा देते हैं, तो ये ऑपरेटर लगा दिया जाए इसमें, ये हो जाएगा हमारा। पहले क्या होता था, डेल FX होता था हमारा FX+H-FX होता था भाई। यहाँ पे करेंगे डेल FX प्लस, यहाँ पे X+H किया, यहाँ पे GX+H किया, बीच में माइनस लगा दिया, सेम भाई उतार दिया FX GX। अच्छा, ब्लर ना हो भैया कैमरा भैया, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली है, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे H कहीं पे नहीं दिया हुआ। जब ऐसा होता है कि राइट हैंड साइड में इंप्रूवमेंट करनी और H कहीं नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, H=1 फुट कर देते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन है, इसमें H की जगह पे 1 फुट कर दें, जहाँ जहाँ पे H है वहाँ 1 हो जाएगा। FX+1 GX+1 FX GX। अच्छा, हम राइट हैंड साइड देखेंगे, इसमें लग रहा है कुछ FX+1 तो हमारे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। डेल जी एक्स के लिए ये GX+1 यहाँ पे दिया हुआ है। डेल जी एक्स क्या होता है, GX+1 -GX। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर FX+1 लिखा, GX+1 लिखा, ऐसे यहाँ पे हमने माइनस लगा के FX+1 और GX अपने पास से ऐड कर दिया। जब माइनस FX+1 GX यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे प्लस भी करना पड़ेगा, इतनी ही वैल्यू जितनी वैल्यू हमने घटाई है उतनी ऐड भी कर दी, और आगे वाला वैसा ही लिख दिया क्या, FX+GX, ठीक है। देखिए, हमने अपने पास से जोड़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम चाहें तो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करेंगे, इस FX को पेन चेंज करें, इस FX को FX+1 को, और इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे =2 लगाएंगे, कॉमन ले लिया, चलिए GX+1 -GX हो गया ये हमारा, और ब्रैकेट बंद कर दिया। इधर क्या कॉमन मिल रहा है, इधर GX कॉमन मिल रहा है, चलो इसको भी कॉमन ले लें, प्लस लगाया, GX कॉमन ले लिया हमने इधर, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब क्या हो रहा है, देखिए GX+1 -GX क्या बन रहा है हमारा, ये तो हमारा DEL GX बन रहा है, पहला वाला बन गया पार्ट। दूसरा इस पार्ट में क्या लग रहा है, GX भी मिल गया हमें, और ये भी बन गया DEL FX, बन गया, ठीक है भैया DEL FX। देखिए क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड, तो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, लिखते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आज का डालेंगे, ये लिख लेते हैं। ये दिया हुआ डेल
fxgx वो तो वही है, बाकी उन्होंने अगला पार्ट चेंज कर दिया, इसके लिए कह दिया fx del gx, जी एक्स प्लस वन। अच्छा डेल एफ एक्स, अच्छा जी ये कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ये भी हो जाएगा। ये कैसे होगा ये भैया, ऐसे होगा वही हम कराएं जैसे भी पहले हमने किया था। पहले तो इसको ओपन करेंगे, डेल क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है जैसा था भैया वैसे ही हमने पूरा पूरा लिख दिया। अब कुछ यहाँ पे ऐड करना घटाना क्या करना पहले तो ये देखेंगे। एच की जगह वन पुट कर दो, जो अभी तक किया था वही किया ऐसे। एफ एक्स डेल जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस डेल एफ एक्स, अच्छा जी जी एक्स प्लस वन तो मिल रहा है हमें, मिल रहा है एफ एक्स, ठीक है बन गया, ठीक है बन तो रहा एफ एक्स प्लस वन। यहाँ पे वही करेंगे, जोड़ना घटाना पड़ेगा, क्या करना देखिए पहले ये डेल जी एक्स हमें दिख रहा है, इधर डेल एफ एक्स दिख रहा है, मतलब जी एक्स प्लस वन देखिए हमें जी एक्स प्लस वन कहाँ से मिलेगा, जी एक्स प्लस वन तो केवल यहीं पर है, ठीक है तो जी एक्स प्लस वन ये मिल गया। डेल एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, मतलब हमें यहाँ माइनस एफ एक्स की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर एक अगला टर्म ऐड करेंगे माइनस एफ एक्स और जी एक्स प्लस वन, क्योंकि जी एक्स प्लस वन हमें कॉमन मिल जाएगा और ये डेल एफ एक्स वाला एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स बना देगा। अब जब यहाँ पे माइनस किया है मतलब घटाया है, तो यहाँ पे जोड़ना भी इतना ही पड़ेगा, जी एक्स प्लस वन के साथ इसको जोड़ भी दिया हमने, और ये बाकी वाला पार्ट यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है भैया अंदर आ जाओ कैमरे के, अच्छा बाहर निकल, चलो कोई नहीं, ठीक है इतना लिख दिया हमने। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे जी एक्स प्लस वन कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे चलो जी एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया, अंदर बचा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है एफ एक्स कॉमन मिल रहा है, ले लो जो कॉमन मिल रहा है जी एक्स प्लस वन माइनस का जी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स जी एक्स प्लस वन मिल रहा है, ये एफ एक्स बाहर आ गया, डेल जी एक्स हो गया, तो सॉल्व हो गया भाई, डेल एक्स प्लस वन मिल रहा है, डेल एफ एक्स प्लस लगाएंगे एफ एक्स और डेल जी एक्स, देखिए आर एच एस के इक्वल हो रहा है, ठीक है यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री डालेंगे इसको हम, दिया हुआ डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डेल एफ एक्स, और दिया हुआ है माइनस एफ एक्स, अच्छा डेल भी लगा हुआ है, डेल जी एक्स अपॉन में दे रखा है उन्होंने जी एक्स और जी एक्स प्लस, ठीक है चलिए डेल हुआ है, ठीक है। इसमें भी कहीं हमें एच नहीं दिख रहा, तो एच की जगह पे हम वन रखेंगे, क्योंकि ये देखिए एच एक्स प्लस वन इन्होंने किया है यहाँ पर, तो एक्स प्लस वन मतलब एच की जगह पे हमें वन ही रखना है। तो इसमें राइट हैंड साइड तो नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, ए लगा दें, ऑपरेटर हमारा अंदर लगा दिया जाएगा, क्या था डेल एफ एक्स यानी एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस यानी ऊपर दोनों में एच एच तोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच, माइनस लगाते थे बीच में और वही जो फंक्शन दिया हुआ पूरा का पूरा वही उतार दिया। अच्छा भैया ये तो कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा नीचे जी एक्स प्लस वन मिल रहा है, पहले तो एच इजकल टू वन पुट करेंगे, ठीक है क्या पुट करेंगे एच इजकल टू वन, यहाँ पे एच इजकल टू वन पुट करने पे एफ एक्स प्लस वन हुआ जी एक्स प्लस वन हुआ माइनस एफ एक्स हुआ अपॉन में जी एक्स, ये तो था ही प्लस है। अब देखिए जी एक्स और जी एक्स प्लस वन मतलब नीचे का एलसीएम लिया जा रहा है भाई, अब तो यही हम भी करेंगे, क्या करेंगे जी एक्स प्लस वन नीचे का एलसीएम ले लिया हमने धाड़ से, ऊपर क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, एक्स प्लस वन हो गया माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एफ एक्स और जी एक्स प्लस वन। अब हम ऊपर का नीचे का सिस्टम देखिए बन गया हमारा, क्या हो गया जी एक्स प्लस वन नीचे मिल गया, ऊपर हमें देखना है ऊपर क्या बनाना है, जी एक्स मैच कर रहा है डेल एफ एक्स बनाना, एफ एक्स दिया है माइनस एफ एक्स की जरूरत है, मतलब हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे
देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे जी एक्स और एफ एक्स प्लस वन, ये पहले से दिया हुआ था। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी एक्स, क्योंकि ये कॉमन मिल जाएगा और एफ एक्स प्लस वन है माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये डेल एफ एक्स हमारा ये वाला बन जाएगा। आगे के लिए क्या करना है वो देखेंगे बाद में, हमें जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है वो ऐड कर देंगे पहले तो जी एक्स और एफ एक्स, जो ऐड किया जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट किया, मतलब नॉर्मल रहेगा बराबर सब कुछ। बचा क्या ये वाला बचा पार्ट माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस वन, वो भी लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बचेगा माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस वन, नीचे क्या था हमारा, नीचे ये था हमारा जी एक्स और जी एक्स प्लस वन। आगे बढ़ जाते हैं हम, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, जी एक्स कॉमन मिल रहा है उठा लिया बाहर, एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स दोनों कम्बाइंड होकर डेल एफ एक्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है एफ एक्स और एफ एक्स कॉमन मिल रहा है, प्लस लगा के ये भी कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा, जी एक्स बचा माइनस जी एक्स प्लस वन बचा, देखिए जी एक्स बचा माइनस जी एक्स प्लस वन बचा। अच्छा ये एफ एक्स कॉमन लिया, अगर यहाँ पे माइनस भी बाहर कॉमन ले लें तो, चलिए अगली बार में करते हैं इतना, जी एक्स प्लस वन, देखिए माइनस यहाँ पे है, यहाँ से हम जो माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा वही सिस्टम बन जाएगा। पहला वाला तो हमारा मैच कर रहा है, देखिए जी एक्स हो गया डेल एफ एक्स हो गया, माइनस कॉमन लिया अंदर से हमने, माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा जी एक्स प्लस वन, और ये प्लस वाला ये माइनस का हो जाएगा जी एक्स, ब्रैकेट वन नीचे हमारा जी एक्स और जी एक्स प्लस वन हो गया। देखिए सब जी एक्स प्लस वन मैच कर रहा है, जी एक्स डेल एफ एक्स मैच कर रहा है, माइनस एफ एक्स लगा हुआ है हमारा, लगा हुआ है जी एक्स प्लस वन डेल जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या होती है, डेल जी एक्स वैल्यू होती है इसकी, तो हो गया हेल्थ प्रूवड आर एच एस। लिखेंगे हमें आर एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया भैया। चलो जी अब कुछ धांसू से क्वेश्चन करते हैं, ये एक धांसू था क्वेश्चन है हमारा, तीन हो गए थे चार हो गए थे, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ये हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये दमदार क्वेश्चन है भाई, वाई के इज इक्वल टू नेबला आर वाई के प्लस आर, ये एक्सरसाइज बने है इसका, ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, सो दैट डेल आर वाई के इक्वल टू नेबला आर वाई के प्लस आर, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। अच्छा आर लगा दिया हमने, कोई नहीं हमने बताया था ऊपर जिस हिसाब से आर लगाए, यहाँ पे क्या करेंगे एच नहीं लेना, सीधे डायरेक्ट आर ही जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। क्या होता था जैसे डेल टू एफ एक्स लिखा होता था, हमने जैसे बताया था आपको डेल एफ एक्स लिखा होता था, तो डेल टू एफ एक्स में क्या कर देना, एफ एक्स प्लस टू एच माइनस, उसी हिसाब से होता एक बार लगता था फिर दोबारा लगता था ये क्वेश्चन। एक मिनट इस क्वेश्चन में डेल आर बाई के इसी तरह से हमारे थे ये क्वेश्चन में, तो नहीं 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 इस हिसाब से नहीं होगा ये क्वेश्चन जो है। अच्छा हाँ हमने फार्मूले भी तो याद किए थे भी, उनका भी तो कुछ यूज करें। क्या फार्मूले याद किए थे हमने भाई, फार्मूले याद किए थे हमने डेल इजकल टू क्या होता है हमारा, डेल इजकल टू होता है हमारा ई माइनस वन, एक तो ये फार्मूला याद किया था, और क्वेश्चन में नेवला दिख रहा है तो नेवला इजकल टू होता है हमारा वन माइनस ए इनवर्स, ये दो फार्मूले थे हमारे, इनका कुछ यूज किया जाए यहाँ पे। चलो हम लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड में ही कर देते हैं ई माइनस वन रख देते हैं डेल की जगह पर, ये ऊपर आर हो जाएगा ये वाई क्या हो जाएगा, ठीक देखते हैं क्या होता है। ई माइनस वन की हमने इसके पावर आर की ठीक है, ई माइनस वन किया इसके पावर आर की वाई के किया, एक काम और करें इसके आगे पावर बराबर करनी पड़ेगी हमें ई आर वाई के, ई आर इधर लगाना पड़ेगा ना, तो ई माइनस वन अच्छा इस तरह से करेंगे, देखिए
क्या किया हमने यहाँ पे, ई टू पावर आर, ई टू पावर आर से मल्टीप्लाई कर दी, ई टू पावर आर मैच कर जाएंगे, ई माइनस वन अपन ई इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये ई माइनस अपन ई पावर आर हो गया, ई आर वाई के हो गया। तो देखिए ये वाई के प्लस आर हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड थोड़ी थोड़ी बन रही है। क्या किया हमें, के प्लस आर करना था, ई आर यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हमने किया इसके साथ, क्योंकि हमें पता है ई वन इजक्ल टू क्या होता है, एक जोड़ देता है, ई वन इजक्ल टू अगर वाई लिखा हुआ है तो ये वाई में प्लस वन कर देता है यहाँ, ठीक है, के लिखा हुआ तो के प्लस वन करेगा, ऐसे आर लिखा हुआ तो आर प्लस वन करेगा। वाई एक फंक्शन ही है भाई, एफ एक्स वाला ही, अगर वैसा करके देखना चाहते हैं वैसा आप करके देख लीजिए, वैसे भी बन जाएगा, ई आर वाई के प्लस आर हो गया, ई माइनस वन अपॉन ई के पावर आर। अब इसको जो है क्या बनाना है हमें, नेवला में बनाना है ना, तो वन माइनस ई इनवर्स, अच्छा फिर तो बन गया, देखिए ई इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे वन माइनस वन अपॉन ई आर वाई के प्लस आर, इसको क्या लिखेंगे हम, ई इनवर्स हो गया वन माइनस ई इनवर्स की पावर आर। देखिए दोनों फार्मूला का यूज हो गया, ये वाला फार्मूला भी यूज हो गया, ये वाला तो पहले यूज करते, इसका भी यूज अब आ गया, वन माइनस इनवर्स क्या होता है, नेवला होता है हमारा, नेवला यहाँ पे रख दिया, वाई के प्लस आर आर एच एस आ गया, है भैया आर एच एस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय, थैंक यू।